हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुंदन और आपके चैनल है बाजार में आपका स्वागत है। आज फ्रेश माल वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ इंग्लिश टू हिंदी करने का एक बेस्ट ना, आपको जो आप पहले आप लिखते थे व्हाट्सएप में, आप देख सकते हैं पहले हाई लिखते थे इसको, फिर जाकर के हम मीनिंग ढूंढते थे कि हाँ ये कौन क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो एक मैं बेस्ट एक न्यू ऐप लेके आया हूँ जिसका नाम है हाई प्रीफ, ये मतलब हाई ट्रांसलेशन, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, हाई ट्रांसलेशन आपको दिखा देता हूँ मैं साइड करके। हाई ट्रांसलेशन इसका जो आइकन है बहुत मस्त बनाया गया, बेहतरीन। और ये ऐप में मात्र स्कैन करिएगा, जिसे मैं आपको सेटिंग्स को करके मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करते हैं। इसको खोलने के बाद ऐसा दिखता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जैसे देखिए ओके करना है, ओके करते करते उसके बाद आपको जाना है अलाउ के बटन, अलाउ करने के बाद बैक आना है, बैक आने के बाद एक पॉपअप आएगा, सो फिर सब नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद ये देखो दिखा रहा है आपको कि ये ऑन करना है, जाकर के सेटिंग में जाता है ट्रांसलेशन में जाकर सेटिंग करना है, इसको जाकर के मैं सेटिंग कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद ये जैसे देखिए वेलकम लिख रहा है, हाई 2.0 ट्रांसलेशन जो है उसको मैं ओके करने के बाद जी सकते हैं। ये एक जैसे ये खोल के यहाँ देखिए इसका करने बोल रहा है, इसका इंग्लिश आ गया, अब इसका हिंदी करना है, देख सकते हैं ये जो पॉप अप आ रहा है इसको, जिससे आपका दोस्त को क्या आपको कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मतलब सूटेबल है, मतलब आपको जो ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं जैसे यहाँ हिंदी कर लेता हूँ, हिंदी अगर आपके दोस्त को क्या कौन सा लैंग्वेज पसंद है तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। करने के बाद जैसे ये देख सकते हैं ये भी ऑन है, देख सकते हैं ये अभी ऑन है, जैसे मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा ये आइकन हट जाए, ये आइकन हट जाएगा, यहाँ भी ऑन कर दिया। तो बैक आने के बाद मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग मैं दिखा देता हूँ, या ये मीनिंग है इसका हाई का, हेलो का होता है नमस्कार। इसके बाद अब मेरे को कोई को रैंडमली कोई एक तो लिख देता हूँ, मैं लिख दिया, अरे मैं आपको जैसे आपको कोई दोस्त भेजेगा जैसे या लिखें या हेलो, इस तरह खाली स्कैन करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अरे उसके बाद जैसे आपको बंद करना है, बैक आना है ट्रांसलेशन, जैसे इसको जैसे आप पूरा काट भी देते हैं तो उसके बाद फिर से ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद फिर स्टेप दिखेगा, जब सेटअप करने के बाद स्टेप क्वेश्चन मिल चुका है और आपको जैसे हाई है, हाई ट्रांसलेशन इसको करना है, यहाँ जा करके जैसे ऑफ है, जैसे आप इसको ऑन करके ओके करिएगा तो फिर बैक आ जाना। सो मैं कर देता हूँ पॉपअप बंद करके, पहले लैंग्वेज चेंज करते हूँ, जैसे ये हो चुका है तो जैसे फिर से सेम उसी तरह जो जिसे करना है तो आप लोग को समझ गए होंगे। जैसे यहाँ फिर से रखेगा, हिंदी का मीनिंग आ चुका है। अब इसको बंद कैसे करना मैं दिखा देता हूँ, तो जैसे ये स्विच को ऑफ कर दिया ये बंद हो जाएगा, फिर स्विच को ऑन करना ये आइकन आ जाएगा, देख सकते हैं फिर आपका रोटेशन देख रहे होंगे जहाँ जहाँ जा रहा होगा, इसको फिर से ऑफ कर दिया, ऑफ कर देता हूँ। तो यही है और बहुत मस्त ये है और ये बहुत बड़े यूट्यूबर लोग यूज़ करते हैं हिंदी इंग्लिश करने में। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और ये रेड कलर का बटन और घंटा कॉल, चलिए वीडियो।